हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इस्चिरिचिया कोलाई या ई कोलाई के बारे में। हम डिस्कस करेंगे ई कोलाई या इस्चिरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। इस्चिरिचिया जो है एक जीनस है बेटा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में कि ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, कौन से जीनस से ये आया है और इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का हम यहाँ पे शुरू करते हैं। द जीनस इज नेम्ड आफ्टर इस्चिरिचिया। जो जीनस है बेटा वो इस्चिरिच के नाम पे दिया गया है। वो फर्स्ट आइसोलेटेड द बैसिलाई, जिसने क्या किया था, सबसे पहले आइसोलेट किया था यानी अलग निकाला था, इस बैसिलाई को अलग निकाला था अंडर द नेम बैक्टीरियम कोलाई कम्यूने इन 1885। और किस नाम के अंडर निकाला था, कोलाई कम्यूने नाम के अंदर, जो 1885 के अंदर। ई कोलाई इज द टाइप स्पीसीज ऑफ द जीनस इस्चिरिचिया। ई कोलाई क्या है बेटा, एक तरीके की स्पीसीज है। कौन से जीनस के अंदर, इस्चिरिचिया जो जीनस है बेटा इसके अंदर ये एक तरीके की स्पीसीज है ई कोलाई। अनलाइक अदर कोलीफॉर्म्स, अदर कोलीफॉर्म्स के अलावा ई कोलाई इज अ पैरासाइटिक इनहिबिटिंग ओनली इन द ह्यूमन और एनिमल इंटेस्टिन। ये किस में रहते हैं, ह्यूमंस में और एनिमल इंटेस्टिन्स में रहते हैं। एक पैरासाइट के तरह बेटा ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इंटेस्टिन्स में प्रेजेंट रहते हैं ये पैरासाइट ज़्यादातर, क्योंकि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टूल्स में, इंटेस्टिन्स में, इस तरीके की जगह पे ये पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको इस्चिरिचिया कोलाई पूरा नहीं बोलेंगे, हम इसको ई कोलाई बोलते हुए इस चैप्टर को हम समझेंगे, है ना। पूरा आपको समझ में आ गया है ये। तो इसकी सबसे पहले बेटे देखेंगे हम मॉर्फोलॉजी ई कोलाई की। क्या होता है ये ई कोलाई, होता है बेटा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो किस तरीके से नजर आते हैं, ये नेगेटिव नजर आते हैं। नेगेटिव का क्या सिग्नल है, पिंक कलर के दिखेंगे, पिंक और रेडिश कलर का दिखा तो नेगेटिव, और अगर ये पॉजिटिव रहा तो कैसे दिखेगा, ये पर्पल कलर के दिखेंगे, ठीक है, ब्लूइश पर्पल कलर के दिखेंगे। इसका मेजरमेंट क्या होता है बेटा, इट मेजरिंग 1 to 3 μm मल्टीप्लाई बाय 0.4 to 0.7 μm का क्या होता है इसका मेजरमेंट, इसका डायमेंशन होता है। अधिकतर जो इसकी बेटा स्ट्रेन्स होती हैं ई कोलाई की, ये होती हैं मोटाइल, है ना। मोस्ट स्ट्रेन्स आर मोटाइल बाय पेरिट्राइकेट फ्लैजिला। ये पेरिट्राइकेट फ्लैजिला के कारण जो इसकी स्ट्रेन्स होती है बेटा, अधिकतर स्ट्रेन्स मोटाइल रहती है यानी इसमें मोबिलिटी रहती है, यानी ये मूव कर सकता है। अभी तक जो हमने बैक्टीरिया पढ़े थे बेटा, वो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, मूवमेंट पॉसिबल नहीं था उनमें, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अभी तक जो भी बैक्टीरिया थे उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, अभी तक हमने जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। पर ये जो बैक्टीरिया है बेटा ई कोलाई, ये मूव कर सकता है, इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। किस तरीके से पॉसिबल है इसमें मूवमेंट, पेरिट्राइकेट फ्लैजिला के कारण। ये देखो इसका डायग्राम में देखो, 3D डायग्राम देखो, ये दिख रहा है आपको एनिमेटेड 3D डायग्राम। इसके पूरे बॉडी के चारों तरफ बेटा ऐसे रोएदार ऐसे रेशे रहते हैं, टेल के जैसे, पूंछ के जैसे, जो कि इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके सहारे ये किसी भी मीडियम में क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है। पहले जो बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे वो बैक्टीरिया क्या कर थे, वो नॉन मोटाइल थे, पर इनका मूवमेंट पॉसिबल एक चीज के कारण था, मीडिया यानी माध्यम, कि उनको सोर्स चाहिए था मूवमेंट के लिए। पानी में बहते हुए चल जाएंगे, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, हमने कहीं छुआ और हाथ लगा लिया, यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ, यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ, इस तरीके से हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। पर ये जो है ये खुद यहाँ से यहाँ चल के चल जाएगा, आपके शर्ट पे लगा तो यहाँ से चल चल के नहीं जाएगा, वो मतलब नहीं मेरा, है ना, फालतू कुछ भी कॉन्सेप्ट मत रख लेना दिमाग में। अंदर कोई भी सोर्स रहेगा, है ना, अंदर बॉडी के अंदर ये जब उसको लिक्विड सोर्स मिलेगा तो उस लिक्विड सोर्स में ये मूवमेंट कर सकता है। इट इज नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। ये नॉन स्पोरिंग होता है और नॉन कैप्सुलेटेड रहता है, यानी कि ना तो ये स्पोर फॉर्म करता है, ऐसी कोई चीज फॉर्म नहीं करता जिसके कारण क्या हो, एक नया बैक्टीरिया बन जाए, एक और नया ई कोलाई बनाता नहीं है ये, और एक कैप्सूल, एक शील्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। ये इसकी रही मॉर्फोलॉजी। ये देखो ग्राम स्टेनिंग जब इसकी करते हैं हम तो किस तरीके से नजर आता है, इस तरीके से ई कोलाई दिखता है ग्राम स्टेनिंग करने में, दिख रहा है ये, क्योंकि नेगेटिव बैक्टीरिया है इसलिए पिंकिश कलर का आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से स्टेनिंग में नजर आता है। पैथोजेनेसिस यानी कि ये डिसीजेस कौन कौन सी कॉज करता है, हम उन डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ई कोलाई क्या करता है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा ऑफ मैन एंड एनिमल।
एनिमल में क्या करता है, नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा यानी कि डायरिया, यूरिनरी इन्फेक्शन, इस तरीके के जो इंटेस्टिन्स में यूरिनरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन कॉज करता है। देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम्स विच आर कॉज्ड बाय ईकोलाय। चार तरीके के क्लिनिकल सिंड्रोम्स है जो ईकोलाय कॉज करता है, कौन कौन से हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई, डायरिया, पायोजेनिक इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया। इस तरीके के इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, ईकोलाय कॉज करता है, ठीक है। तो ये सब मैं आप लोग को जो भी पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ऐसा मत समझ लेना कि बहुत इजी कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इजी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, पर मैं अगर एक एक चीज़ का अगर आपको मीनिंग बताने लग गया ना तो फिर तो वो हम टॉपिक भी नहीं कवर कर पाएंगे। और ये एक टास्क है आप बच्चों के लिए कि आप लोगों को खुद को भी पता करना है। हमारा लेक्चरर्स का काम सिर्फ आपको पढ़ाने का है, पर आपको खुद की मेहनत करनी है, आपको खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर करना है। पका पकाया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको पीपीटी मिल रही है, पीपीटी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, पर और भी अगर इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, है ना। मेरी कोई मनाही नहीं है मेरे तरफ से कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इसमें इतना ही करो, बस इतना ही करो। हाँ, बस मैं इतना बोलता हूँ कि जितना पढ़ाया कम से कम उससे कम तो मत करो आप, उससे ज़्यादा जरूर कर सकते हो पर उससे कम तो मुझे नहीं चाहिए। पेपर में फिर बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर बाद में बोलना मत। तब यूटीआई क्या हो गया, डायरिया क्या हो गया, पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या हो गया, सेप्टिसीमिया क्या हो गया, यार गूगल है, मोबाइल वगैरह चलाते हो, इतना तो नेट जल्दी चलाते हो फालतू चैटिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सर्च वगैरह किया करो अपने खुद से। अचानक एग्जाम आ जाएंगे ना, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब खुद पता करो और मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, यूटीआई के अकॉर्डिंग हमारी लेबोरेटरी डायग्नोसिस मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड है कि सेप्टिसीमिया हो गया या पस हो गया, बायोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। कि यूटीआई अगर आपको हुआ तो यूटीआई में अगर आपको ईकोलाई के कारण यूटीआई हुआ है तो इस केसेस में आप इसके अकॉर्डिंग क्या क्या सैंपल आप लोगे और उस सैंपल का डायग्नोसिस किस तरीके से करोगे, उस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं अभी हम नॉर्मल यूरिन स्टेराइल। जो नॉर्मल यूरिन स्पेसिमेन होता है ना बेटा, वो स्टेराइल होता है। क्या होता है, स्टेराइल यानी कि साफ सुथरा, उसमें जो नॉर्मल यूरिन जो रहती है बेटा उसमें कुछ बैक्टीरिया नहीं रहता है, बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके नॉर्मल यूरिन इज स्टेराइल। किस समय स्टेराइल है ये मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉर्मल यूरिन स्टेराइल है यानी साफ सुथरी है, बैक्टीरिया नहीं है। कब तक है, बट ड्यूरिंग वॉइडिंग मे बिकम कंटेमिनेटेड विद कॉमन सेल्स ऑफ जेनिटल ट्रैक। वॉइडिंग के समय यानी कि यूरिन पास करते समय जब यूरिन आपके जेनिटल ट्रैक्ट से निकलती है, गुजरती है, जब तक कि वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में है तब तक कि वो स्टेराइल है। पर जैसे वो आपकी यूरेथ्रा से आपके जेनिटल ऑर्गन्स से है ना पास होने लग गई है ना, जैसे आपके ऑर्गन्स में से आपके बॉडी से एक्सक्रीट होने लग गई वो, तो उस एरिया में आपके जेनिटल ऑर्गन्स में बहुत सारे है बैक्टीरिया प्रेजेंट अंदर लाइनिंग में है ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट है क्योंकि वो खुला ओपन पोर्शन है ना, वो तो वहाँ पे रोज वो गीला होता है, जम है ना सूखता है, तो ऐसे क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया जम जाते हैं। तो वहाँ से जब वो पास होती है यूरिन तो वो क्या करती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करती है, यानी ट्रैक में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उन बैक्टीरिया को लेते हुए जब यूरिन निकलती है तो फिर हम डायग्नोस कर पाते हैं यूरिन के बेसिस पे किसी भी बैक्टीरिया को। बात समझ में आई मेरी, कि यूरिन जब तक कि ब्लैडर में है तब तक कि वो बेटा स्टेराइल है, पर जैसे ही ब्लैडर से बाहर निकली वो, समझ में आई, जैसे ही ब्लैडर से बाहर निकली, जैसे ट्रैक में आई तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो बैक्टीरिया वहाँ से यूरिन आई और बहते हुए पूरे बैक्टीरिया को लेते हुए बाहर आ गई और इस तरीके से वो यूरिन में हम बैक्टीरिया को डायग्नोस करते हैं विच विद कॉमन सेल्स ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। अब स्पेसिमेन कैसे कलेक्शन करेंगे बेटा, यूरिन कलेक्शन करना है तो ऐसे थोड़ा ना कर देंगे कि यूरिन एक डब्बे में भर के दे दी हमने, नहीं, यूरिन का एक तरीका है यूरिन देने का। और कौन सी वाली यूरिन हमको देना है वो है ना, एक तो फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन देना है आपको, मॉर्निंग में जो आप सबसे पहले यूरिन पास करते हो वो यूरिन देनी है। और वो यूरिन भी कैसी देनी है, मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन, MSU देना है। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने क्या किया, मिड स्ट्रीम का मतलब ये है कि यूरिन सैंपल आप देने गए, फॉर एग्जांपल आप किसी लेबोरेटरी में जा रहे हो और आपने यूरिन सैंपल दिया
है ना, आपको बोला है कि भाई इसमें यूरिन सैंपल दे रहा है तो किस तरीके से आप दोगे यूरिन सैंपल, ठीक है। तो आपको कंटेनर मिल गया स्टेराइल कंटेनर, है ना, उन्हें बोला भाई मिडस्ट्रीम देना है, तो सबसे पहले बेटा आप किसी को समझाते हो, आपके हॉस्पिटल में आपके लैब में कोई आता है अगर, अगर आप उसको समझाते हो, या अगर आप किसी को, आप खुद जाते हो या आपके घर वाले जाते हैं, तो उनको किस तरीके से आप समझाओगे, है ना। सबसे पहले वाली जो यूरिन है ना, यूरिन करते समय सबसे पहले जो आपका जो जेनेटल ऑर्गन है ना, जेनेटल ऑर्गन है, उसको आप सोप से, है ना, लिक्विड सोप या कोई ठोस कोई सोप हो उससे वॉश कर लो, है ना, अच्छे से सोप से, किसी भी सोप से अच्छे से, हैंड वॉश से, है ना, अंदर जो भी चीज़ अब क्लीनिंग के लिए प्रेजेंट है उससे आपके जेनिटल ऑर्गन्स को आप सबसे पहले वॉश कर लो अच्छे से, है ना, धो लो पूरा, वो क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद बेटा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ऊपर है ये, है ना, पानी से नहीं धोना है आपके जेनिटल ऑर्गन्स को, आपको साबुन से वॉश करना है, साबुन से या सोप से, है ना, किसी भी चीज़ से जो कि एक डिटर्जेंट के जैसे एक्ट करे, है ना। वॉश किया, वॉश करके आपने पूरा जो ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो सब आपने धो दिया, है ना। इसके बाद जब यूरिन पास करते हो तो पहली जो यूरिन है वो उसको पास होने दो, ठीक है, पहली से मतलब पूरी एक बार में पूरी यूरिनेशन नहीं करना है, पूरी यूरिन पास करके अगर आप पेट खाली कर लिए, ब्लैडर खाली कर लिए, वैसा नहीं, ब्लैडर भरा हुआ है, पहले थोड़ी यूरिन पास होने दो, तो वो जो यूरिन पास होगी जो यूरिनरी ट्रैक में जितना कचरा या बैक्टीरिया है वो उसको धो के निकाल देगी और वो यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगी। फिर जो यूरिन है, एक यूरिन अपने एक मतलब उसी समय आपने थोड़ी यूरिन पास किया, अब जो यूरिन बची है उसको आप एक कंटेनर में कलेक्ट करोगे, ठीक है, कलेक्ट करा उसको, फिर कंटेनर को क्लोज कर दिया, और जो लास्ट की यूरिन बची है उसको फिर आप वापस एक्सक्रीट कर दो, वापस आप फ्लश कर दो, ठीक है, वापस उसको आप पास कर दो यूरिन को, पर कंटेनर में नहीं करना है ना, यानी पहली यूरिन और लास्ट वाली यूरिन को आपको पास कर देना, एक्सक्रीट कर देना, उसको मतलब उसको बहा देना है ना, फ्लश कर देना है टॉयलेट में, पर जो जो बीच वाली यूरिन है उसी को आपको कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं मिडस्ट्रीम यूरिन कलेक्शन। इट इज़ कलेक्टेड प्रीफरेबली प्रियोर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी कि बेटा ये सिर्फ यूरिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे कभी भी आप कोई भी टेस्ट कराने जाते हो, है ना, कोई भी अगर आप टेस्ट कराने जा, आप बीमार हो और किसी चीज़ का टेस्ट कराने जा रहे हो, तो आपको अगर आप कोई किसी तरीके की एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको कम से कम 48 आवर्स का उसको गैप देना है एंटीबायोटिक्स को, है ना, 48 आवर्स या 3 दिन का गैप होना चाहिए आपके एंटीबायोटिक के अंदर, कि आपने अभी 3 दिन पहले एंटीबायोटिक लिया था, फिर आप आज आपका ब्लड सैंपल या किसी भी तरीके का सैंपल दे रहे हो, तो आपके टेस्ट रिजल्ट तभी सही आ पाएंगे, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक खा के चले गए, एंटीबायोटिक समझता है क्या होता है, एंटी यानी अगेंस्ट, बायोटिक्स यानी अगेंस्ट बैक्टीरिया या ऐसे कोई भी पैथोजेंस जो आपकी बॉडी में क्या करें, एंटी किसी भी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करने वाला है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे अगर बैक्टीरिया आ रहे हैं तो ये पहले ही मार देगा, और अगर एंटीबायोटिक्स ने मार दिया है तो डायग्नोसिस किस तरीके से सही होगा, हमारा डायग्नोसिस कभी भी सही नहीं हो पाएगा, लैब रिपोर्ट सही नहीं आ पाएगी अगर आपने एंटीबायोटिक्स खा के चले गए हो अगर आप, है ना, तो एंटीबायोटिक को आप ब्रेक करिए 48 आवर्स के लिए, उसके बाद आप क्या करें, सैंपल दे ले जाकर, है ना। स्पेसिमेन इज कलेक्टेड इन अ स्टेरल कंटेनर, वो जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्टेरल एक साफ सुथरे कंटेनर में हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। कैथेटर स्पेसिमेन, अब वैसा स्पेसिमेन जो कि कैथेटर, अगर किसी पेशेंट को, जैसे कि एक पेशेंट तो है भैया आपका ओपीडी पेशेंट है ना, आउट पेशेंट, बाहर से कोई पेशेंट आ रहा है, एक बाहर से आ रहा है ना, अब जो पेशेंट एडमिटेड है या ऐसा पेशेंट जो यूरिनेशन करके इस तरीके से का नहीं कर सकता है काम, उसको लगा हुआ है भाई कैथेटर, बेड पे है वो पेशेंट, है ना, वो उठ नहीं सकता, एक ही जगह पर बेड लेटे लेटे वो यूरिन पास करता है, पूरा उसका बॉडी का एक्सक्रीशन करता है वो। अब वैसे पेशेंट का कैसे करोगे, कैथेटर स्पेसिमेन में क्या करोगे, यूरिन शुड बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द कैथेटर एंड नॉट फ्रॉम द कलेक्शन बैग। यूरिन को आपको डायरेक्टली कैथेटर से कलेक्ट करना है, यानी कि जब पेशेंट यूरिन पास करे, है ना, तो वही एक तो पहली बात है, कैथेटर आपका क्लीन रहना चाहिए, है ना, कैथेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, कैथेटर है ना, तो पहले ही उसने पास किया वो यूरिन निकलने दी, सेकेंड यूरिन आई उसको आपने कंटेनर में कलेक्ट किया और फिर लास्ट वाली यूरिन उसको फिर से पास होने दिया। हाँ,
और हमको ब्लड बैग ब्लड बैग में से कलेक्ट नहीं करना है, यानी कैथेटर से यूरिन जाकर ब्लड बैग में कलेक्ट होती है, तो ब्लड बैग में इतनी सारी यूरिन भरी हुई है नहीं, उस यूरिन को हमको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो यूरिन में आप होने लग गया कंटेमिनेशन, बैक्टीरिया का और फंगाई का ग्रोथ होने लग गया है उसमें, है ना। तो हमको उस यूरिन को कलेक्ट नहीं करना है बैग में से, हमको कैथेटर में से कलेक्ट करना है। अब स्पेसिमेन हमको कलेक्ट करना है बच्चों में से, एक तो कर लिया हमने नॉर्मल इंडिविजुअल्स में से जो बीमार हो हैं भी तो पर वो यूरिन सैंपल देने के लायक हैं, एक मैंने बताया ऐसे पेशेंट्स का करना है जो कि कैथेटर लगा हुआ है जो उस तरीके का सैंपल नहीं दे सकते हैं। अब एक तरीके के आपके पास लोग आएंगे जो होंगे बच्चे, वैसे बच्चे जो कि उनको पता ही नहीं है कि यूरिन कैसे पास करते हैं, वो सुसु कर देते हैं जरूर, यूरिन पास जरूर करते बेटा, पर मिड स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे वो, है ना, हम जब बोले तब वो यूरिनेशन नहीं कर पाएंगे, उनको कोई कंट्रोल नहीं है कब यूरिन करे कब नहीं करे, हमको नहीं पता है, है ना। तो अब ऐसे समय पे हमको किस तरीके से कलेक्शन करना है, अ क्लीन कैच स्पेसिमेन आफ्टर क्लींजिंग ऑफ जेनिटेलिया इज प्रिफर्ड, एक अच्छे तरीके से एक साफ सुथरा स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ जेनिटेलिया इज प्रिफर्ड, यानी कि बच्चों के भी जो जेनिटल ऑर्गन्स बेटा उनको भी क्लीन करना है। अब ये काम किसका है, ये काम या तो बच्चा का अगर कलेक्शन है ना, ये काम है भाई पेरेंट्स का, है ना, घर पे आप बच्चे के करके लाओ, या तो कि या तो हॉस्पिटल्स में या तो लेबोरेटरीज में आप वॉशरूम में जाकर उनके जो भी सोप डिटर्जेंट मौजूद है उससे क्या करो अच्छे से क्लीन करो, है ना, जेनिटल ऑर्गन्स को। अनदर प्रोसीजर है ना, उसके बाद आप फिर उसका कलेक्शन करवाइए। अनदर प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग स्पेसिमेन इज इन इन्फेंट इज बाय सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, एक मेथड है बच्चों का जो कि बच्चों को यूरिन करना नहीं पता है कि अभी हम यूरिन करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि ये 2 साल से कम के बच्चे या 1.5 साल से कम के बच्चे, 2 साल तो बहुत बड़ा बच्चा हो गया, फिर भी 1 साल से कम का बच्चा जो बोलना नहीं जानता है अभी, जिसको पता नहीं है कि हम जब करवाते ना बच्चों को तो यूरिन करने लग जाता बच्चा, वो चीज़ को समझता ही नहीं है वो बच्चा अभी, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को किस तरीके से हम करेंगे, इन्फेंट्स छोटे बच्चे नवजात शिशुज इनका सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन करते हैं। और सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन कैसा होता है बेटा, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन में बच्चों का जो यूरिन सैंपल है बेटा वो बाहर से एक निडल इंसर्ट करके, यानी इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना, जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल हम नसों में से लेते हैं वेंस में से लेते हैं, उसी तरीके से जस्ट मतलब जहाँ पे ब्लैडर है ब्लैडर के ऊपर से मतलब ऊपर स्किन में से पेनिट्रेट करते हुए क्या करना है, यूरिन सैंपल कलेक्शन करना है सिरिंज के द्वारा, है ना, इंजेक्शंस के द्वारा सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन में करा जाता है। ट्रांसपोर्ट, अब यूरिन सैंपल ले लिया, अब ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, एज यूरिन इज अ गुड कल्चर मीडियम स्पेसिमेन आफ्टर कलेक्शन शुड बी रीच द लेबोरेटरी विथ मिनिमम डिले, जैसे ही अगर आपने एक अच्छा स्पेसिमेन कलेक्शन कर लिया तो जो स्पेसिमेन है उसको लेबोरेटरी में जाना है बिना डिले के, इफ़ इट इज़ पॉसिबल द स्पेसिमेन इज टू बी रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस, अगर ये पॉसिबल है तो स्पेसिमेन को क्या करना है आपको, रेफ्रिजरेट करना है 4 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप डिले कर रहे हो यूरिन को वहाँ पे पहुँचाने के लिए। लेबोरेटरी मेथड्स में क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन इज यूज फॉर बैक्टेरियोलॉजिकल कल्चर एंड द टेस्ट इज एग्जामिन्ड इमीडिएटली अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो पार्ट है जो स्पेसिमेन का हमको यूज़ करना है बैक्टेरियोलॉजिकल कल्चर या अंडर रेस्ट इज एग्जामिन इमीडिएटली अंडर द माइक्रोस्कोप, कुछ पार्ट आप निकाल दो स्पेसिमेन का कल्चर करने के लिए, ठीक है, और कुछ पार्ट निकाल दो आप स्पेसिमेन का माइक्रोस्कोपी वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, सबसे पहले हमने देखा इसका स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद हमने देखा ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमने देखा इसकी मेथड लेबोरेटरी मेथड्स में कि क्या कैसे कैसे हमको उसको सैंपल को अलग निकाल के रखना है। तो इस वीडियो में बेटा हमने कुछ चीज़ें समझी, हमने क्या क्या देखा, जल्दी से हम एक रिमाइंड कर दे रहा हूँ, इस एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में, स्पेसिस की जीनस के बारे में समझा, इसके मॉर्फोलॉजी देख ली है हमने कि कैसी होती है, ग्राम स्टेनिंग में कैसा दिखता है, पैथोजेनेसिस समझा हमने, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जब यूटीआई अगर इन्फेक्शन रहा तो किस तरीके से स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है, इन्फेंट्स में कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, और स्पेसिमेन अगर आया है तो हमको अलग अलग कैसे निकाल के रखना है, वो चीज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। और कल्चर बायोकेमिकल्स और जितने भी अदर जो टेस्ट होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।